रंगमंच समाज को आईना दिखाता है, पर पर्दा गिरते ही सब खत्म। अब अगर किसी को सालों पहले हुए किसी नाटक के बारे में कुछ जानना हो तो कहाँ जाए? इसका एक ही रास्ता है, उस नाटक का ब्रोशर। दिल्ली की एक शख्सियत जिसने पिछले 25 सालों से दुनिया भर में हुए हजारों नाटकों के ब्रोशर्स का एक अद्भुत कलेक्शन बनाया है, नाटकों के पुराने कदरदान और समीक्षक आनंद गुप्त। आर्टिस्टिकली डिजाइन किया गया ब्रोशर एकमात्र प्रस्तुति के बाद ऐसा लिखित दस्तावेज है, रिटन डॉक्यूमेंट है, जो उस नाटककार, उसके निर्देशक की रंग परिकल्पना, उस नाटक के कॉस्ट्यूम डिजाइन, उस नाटक के सेट डिजाइन, उसमें काम करने वाले अभिनेताओं और वो जो बैक स्टेज पर जिन्होंने काम किया उनका ब्यौरा लिखित रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे कि आने वाले दौर में, आने वाले नाटक के इतिहास में उनका एक प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। कई थिएटर ग्रुप्स ने नाटकों के साथ साथ अपने ब्रोशर के साथ कई नाटकीय प्रयोग किए, जैसे घासीराम कोतवाल का ब्रोशर है जो नॉर्थ अमेरिकन टूर पर गया, उसने पूरे फोटोग्राफ्स वगैरह नाटक के एक्शंस वगैरह के साथ इस ब्रोशर में दिया ताकि दर्शकों को पूरी प्रोडक्शन का लेखा जोखा मिल सके। इसी तरह ये PLT कलकत्ता का ब्रोशर है, उत्पल दत्त का ग्रुप है, इन्होंने अपने नाट्य समारोह को ब्रॉडशीट अखबार के साइज में डिजाइन किया है और इसी में उन्होंने सारा विवरण दिया है। बैंक में अपनी मसरूफियत के बावजूद आनंद गुप्त ने ब्रोशर इकट्ठा करने के शौक को बहुत ही कायदे से आगे बढ़ाया और धीरे धीरे उनके संग्रह में जर्नल्स भी शामिल होने लगे, यहाँ तक कि बाद में चलकर उन्होंने रंगमंच पर खुद अपनी ही पत्रिका शुरू की। हमने 1976 में खुद भी एक अंतरदेशीय पत्र पर नाट्य पत्रिका निकालने का एक दिलचस्प प्रयोग किया जिसे काफी सराहना मिली। होली के अवसर पर हमने उसको एक रोचक बनाने के लिए उसको रंगीन कलर दिया और उसमें गॉसिप के साथ साथ कुछ मजाहिया किस्से प्रकाशित किए। विविध आकार प्रकार और अनोखे डिजाइन के रोचक प्रयोगों वाले इन ब्रोशर्स और जर्नल्स में रंगमंच का इतिहास छिपा है। ये ब्रोशर्स सिर्फ नाट्य आंदोलन का इतिहास नहीं, एक तरह से सामाजिक दस्तावेज भी हैं। आनंद गुप्त ने विश्व रंगमंच पर भी बहुत सी जानकारी इकट्ठा की है। सूचना के इस संसार को अगर एक म्यूजियम में तब्दील किया जाए तो रंगमंच को लेकर हमारी समझ बढ़ेगी और रंगमंच के जरिए दुनिया की।